बर्फीली दुनिया का सफ़र तय करने के बाद सम्राट एक सूखे वीराने जंगल में पहुंच जाते हैं और समय न गवाते हुए आगे जाने का निर्णय लेते हैं। कोई रास्ता न मिलने पर वे पहाड़ी की ओर चल देते हैं। सम्राट को पहाड़ी पर एक गुफा नज़र आती है। उस गुफा के द्वार पर अपने घोड़े को छोड़कर वे अकेले जाने का निर्णय लेते हैं। सम्राट कुंभा उस अंधेरी गुफा में बड़े साहस के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। सम्राट सोचने लगते हैं, आगे तो रास्ता बंद है, कहाँ जाना सही होगा। तभी किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ, रास्ता भटक गए हो क्या? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें इतना बड़ा मेंढक नजर नहीं आ रहा? क्या हुआ, मुझे देखकर डर गए क्या? डरो मत, मैं तुम्हें ऐसे नहीं खाऊंगा। मैं ही तुम्हें इस दुनिया से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। क्या होगा, तुम यही सोच रहे हो ना कि इतना सा मेंढक मुझे कैसे खा सकता है? जब तुम गलत जवाब दोगे ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने अगर मेरे सवाल का जवाब एकदम सटीक दिया तो तुम्हें वो जादुई प्याला दे दिया जाएगा जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, जिनमें से किसी एक सवाल का जवाब तुम्हें एकदम सटीक देना है। ठीक है, पूछो सवाल। तो ध्यान से सुनना मेरा पहला सवाल। सबसे पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? मुझे जवाब एकदम सटीक चाहिए। ऐसे सवालों का जवाब मैं एकदम सटीक कैसे दूं, फिर भी जवाब तो देना होगा। इस सवाल का जवाब अंडा है। सम्राट का ऐसा जवाब सुनते ही मेंढक का आकार बड़ा हो जाता है। सम्राट समझ जाते हैं उनका जवाब गलत है। ये देखकर वे कहते हैं कि पहले मुर्गी आई। सम्राट का दूसरा जवाब सुनते ही मेंढक फिर से गायब होने लगता है। मेंढक का आकार और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सम्राट समझ जाते हैं, इस मेंढक ने मुझसे एक सटीक जवाब मांगा था, लेकिन सवाल का कोई सटीक जवाब है ही नहीं, इसीलिए ये मेंढक इतना बड़ा हो गया। मेरा दूसरा सवाल, अकल बड़ी होती है या भैंस? सम्राट बड़े सोच कर कहते हैं, अकल बड़ी होती है। जवाब सुनते ही मेंढक फिर से गायब होने लगता है और एक बहुत बड़े दानव मेंढक में बदल जाता है। सम्राट को ज्ञात हो जाता है, ये मुझसे ऐसे ही सवाल पूछ रहा है जिनका कोई सटीक जवाब है ही नहीं। जो वह पूछ रहा है उस पर ध्यान न देकर मुझे अपना एक जवाब देना होगा, वह सटीक होना चाहिए। मेरा तीसरा सवाल, महाभारत के युद्ध में कौन महानायक था, महाराज युधिष्ठिर, भीम या अर्जुन? ये तीनों ही नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अधर्म का साथ दिया है, और ये मेंढक मुझे इन तीनों में से चुनने को कह रहा है ताकि मैं गलत जवाब दे दूं। तो सुनो मेंढक राज, महाभारत के युद्ध में महानायक चक्रधारी श्री कृष्ण थे। एकदम सटीक जवाब मिला है मुझे, तुम्हारा जवाब सही है। ये लो वो प्याला जिसकी तुम्हें तलाश थी, और साथ में एक जादुई तीर भी दे रहा हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। आपका बहुत धन्यवाद।